बीच प्रयागराज से एक खबर आपको बता दें, सदर तहसील में दिखी है अनियमितता। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर सदर तहसील में अनियमितता देखी गई है। सदर तहसील में तहसीलदार के आने का समय निर्धारित नहीं है, तो तहसीलदार 12 बजे भी नहीं बैठते हैं अपनी कुर्सी पर। फरियादी आकर ऑफिस खाली देखकर लौट जाते हैं अपने घर को, और सदर तहसील के तहसीलदार का ऑफिस दिखा पूरी तरह से खाली। अरविंद कुमार मिश्रा है सदर तहसीलदार, और धूम्रपान निषेध की चेतावनी भी बेसर हुई है। साइन बोर्ड के नीचे पान थूकने का दिखा है कचरा। जिम्मेदार अधिकारी नहीं देते हैं इस ओर कोई भी ध्यान। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, तहसील दिवस पर तहसील में अनियमितता देखी गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश सिंह अब से जुड़े हैं। जगदीश, जिस प्रकार से लगातार अनियमितताएं जो है तहसील पर देखी जा रही है, क्या कार्रवाई हो पाई है तहसीलदार पर? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह प्रयागराज के सदर तहसील में अनियमितता देखने की मिली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धूम्रपान की बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। यहाँ पे सारे अधिकारी के ऑफिस से बगैर धूम्रपान किया गया है, और वहाँ पान खाके सीट रुका गया है। मैं बात करूँ आपको तो बता दूँ कि अरविंद कुमार जो यहाँ पे तहसीलदार हैं, वो 12 बजे आते हैं, प्रतिदिन 12 बजे आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पीड़ित जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पीड़ित वापस घर लौट जा रहे हैं। उनका कहना है कि इनका रोज का यही काम है कि ये 12 बजे पहले नहीं आते यहाँ पे। जी, क्या कार्रवाई हो पाई है, क्या अधिकारियों तक इस चीज को लेकर, अनियमितताओं को लेकर के कोई जानकारी हो पाई है? जी, हमने उप जिलाधिकारी सदर से बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर इस तरह की अगर गलतियां अगर हो रही हैं तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जी, चलिए, शुक्रिया आपका जगदीश तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो धूम्रपान निषेध साइन बोर्ड के नीचे थूकने का कचरा पड़ा हुआ, तो तस्वीरें जो है ये अनियमितताएं दिखाती है सदर तहसील।